नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस करता हूँ। ओके, ये सीसीटीवी कैमरा में कम से कम महीने को 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तक कमा लेता हूँ। ओके, ये आप भी सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस करके 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। ओके, ये कैसा करते हैं, मटेरियल किधर से खरीद के लेके आते हैं, कस्टमर को कैसा बेचते हैं और आपको ऑर्डर्स कैसा आएगा, वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ये वीडियो सेशन में। ओके ओके, तो पहले मैं सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट करने से पहले क्या हुआ, एक चीज़ मैं बोलूँ, 2010 से 2015 तक मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था। ओके, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट काम करता था। तो 2015 में क्या हुआ बोले तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कम होने लगे, तो मैं जब क्या सोचा बोले तो दूसरा कुछ अल्टरनेटिव बिजनेस सोचना करना बोल के सोच रहा था। तब क्या हुआ बोले तो मैं पूरा मार्केट में रिसर्च करा, रिसर्च करके 2-3 बड़े लोगों से भी मालूम करा और कौन सा धंधा करेंगे बोल के सोच रहे, तो मेरे आइडिया में, मेरे दिमाग में एक आइडिया आता, क्या बोले तो सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस करे तो मार्केट में अच्छा रहेगा और फायदा भी रहेगा, क्योंकि जब भी सीसी कैमरा का इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था और मार्केट में सीसीटीवी कैमरा का डिमांड भी अच्छा था। तो ये आइडिया आते मैं क्या करा बोले तो मैं ऑनलाइन में जो कुछ भी मेरे आजू बाजू मेरे शहर में, हैदराबाद शहर में कितना भी सीसीटीवी डीलर्स है, ओके, और स्टार्किट से ऑनलाइन में सर्च करा। मैं सर्च करे तो एक 10 कंपनी आए, तो वो कंपनी का पूरा एड्रेस लिया मैं लेके, वो डीलर थोड़े डीलर है थोड़ा स्टार्ट से सीसी कैमरा का, उनका नहीं गया मैं जाके बोला मैं ऐसा सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस करना चाहूँ। ओके, बिजनेस बोले तो उन लोगों दिए तो मैं बेच लेना रीसेलर, मैं सीसीटीवी कैमरा का रीसेलर बिजनेस करना चाहूँ, आपका ने मॉडल्स क्या है, उसका प्राइस लिस्ट क्या है बोल के मैं उनको पूछा। बोले तो कम से कम एक 10 आदमी को तो भी पूछा, 10 डीलर होंगे पूछे तो हम लोग सब लोग क्या बोले बोले तो आपका मेल आईडी दो, हम मेल पे भिजाते, नहीं तो अभी साहब नहीं है बाद में हो बोल के सब जने बोले। उसमें 2 खास आदमी थे, उन लोग क्या करे बोले तो उनका भी नया नया स्टॉक था सीसी कैमरा का, उन लोग क्या करे बोले तो उनका ने प्राइस लिस्ट चार्ट था और चार्ट मेरे को दिए, देके दो ही दो डीलर चार्ट देके उसमें मेरे को समझे ये सीसीटीवी कैमरा में ये आइटम आएगा, एक यूनिट को इतना पैसा लगेगा। ओके, वो यूनिट आपको इतना मिलेगा कि उसके ऊपर आप कमीशन डाल के बेच लो। ओके, तो वो सीसीटीवी कैमरा में यूनिट में क्या क्या आइटम था बोले तो 4 सीसीटीवी कैमरा था, 1 DVR का, 1 हार्ड डिस्क का और एक क्या है कि पावर सप्लाई का और 1 RG6 केबल का 90 मीटर का और सीसीटीवी कैमरा का कनेक्टर्स, BNC कनेक्टर्स था, DC कनेक्टर्स था। ये पूरा आइटम्स मिला के टोटल अमाउंट 12,000 रुपीस स्टार्टिस्ट मेरे को एक यूनिट दे रहा था, मैं वो कस्टमर को 500 रुपीस 1,000 रुपीस ऐड करके बेच लो बोल के बुलाता हूँ। ओके, एक स्टार्टिस्ट एक लिस्ट दिया बेच लो बोल के, दूसरा स्टार्टिस्ट और एक लिस्ट दिया। मैं क्या करा बोले तो वो स्टार्टिस्ट और एक डीलर था उनका से लिस्ट ला लिया, लिस्ट ला लेके मेरे कने लगा लेके मैं कैमरा बेचने को किसका ने भी नहीं गया। कैसा सिस्टम करा बोले तो जब मैं एक फ्री में वेबसाइट बनाया था, वो वेबसाइट का नाम क्या है लिंक मैं नीचे दे दूँ, फ्री में वेबसाइट बनाया, वेबसाइट बना के ये लिस्ट में जो भी है ना स्टार्टिस्ट दिए सो वो इमेजेस और प्राइस लिस्ट मेरा कमीशन ऐड करके वो वेबसाइट में अपलोड कर दिया। मैं वेबसाइट में अपलोड करके क्या करा बोले तो उसको SEO कराया, SEO बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग करा के छोड़ दिया था, छोड़ दे के ऑनलाइन में लगा दिया था। लगा दिया तो मैं जब क्या करा बोले तो ऑनलाइन में लगाए से जब मैं एक रेडियस लगा लिया, 20 किलोमीटर के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा सर्च करे तो मेरा नाम आना बोल के मैं उसमें सेट करके लगाया।
क्योंकि बियॉन्ड 20 किलोमीटर हुआ सोचो, मैं सप्लाई भी नहीं करता उनका, मेरे को मार्जिन भी उतना नहीं मिलता, क्योंकि मैं जो मार्जिन डाल रहा हूँ ना स्टॉक दिए बाद में जो प्रॉफिट, वो 20 किलोमीटर के आगे जाके सप्लाई करते हो, मेरे को भी मार्जिन नहीं मिलता था। उसके लिए मैं एरिया सराउंडिंग 20 किलोमीटर लगा लिया था। तो जब क्या होता था, क्या हुआ बोले तो, जनरल ये सिस्टम में सर्च इंजन में लगाए बाद में मेरा वेबसाइट जो भी 20 किलोमीटर के अंदर सीसी कैमरा होना बोलकर ऑनलाइन में टाइप करेगा, नहीं तो गूगल सर्च में जाएगा, तो उसके नज़दीक है तो सीसी कैमरास एक 5-6 कंपनी कंप्यूटर में ओपन होते थे सर्च इंजन में। सीसी कैमरा कौन बेच रहा, 5-6 कंपनी वो ऑनलाइन में ओपन होते थे, उसमें मेरा एक वेबसाइट आता था। ओके, आए तो क्या होता था, कोई भी मेरा वेबसाइट को सर्च इंजन में मारा, 5-6 कंपनी आया, मेरा कंपनी को कोई भी एक क्लिक करके आर लगाए सोचो, तब क्या होता था बोले तो, आर लगाए तो वो कस्टमर का मेल आईडी और कस्टमर का फ़ोन नंबर डायरेक्ट मेरा मेल आईडी को आता था और मेरा फ़ोन पे SMS आता था। आते ही क्या करता था बोले तो, मैं मेरा फ़ोन में अलर्ट रहता था, मेल आए तो SMS है, इमीडिएटली मेल देख के SMS देख के मैं इमीडिएटली जो ऑनलाइन में बुक करा ना उनको मैं इमीडिएटली कॉल कर दूँगा, कॉल करके असल वो बुक करे सो वाला जेन्यून है नहीं तो टाइम पास को बुक करा अपन मालूम कर लेना चाहिए। ओके, मैं इसको इमीडिएटली फ़ोन करके मालूम करता था, सब आप ऐसा ऑनलाइन में कैमराज बुक करें, आपको कितना कैमरा होना क्या क्या होना बोले तो कस्टमर डिटेल्स पूरा देता था। वो डिटेल्स पूरा मैं लिख लेके क्या करता था बोले तो, वो मेटेरियल ले लेके मैं वो कस्टमर को 500-600 रुपया मार्जिन डाल के वो कस्टमर को मैं दे देता था। ओके, वो 500-600 रुपया मेरे को मिल जाता। ऐसा मेरे को शुरू में तीन चार ऑर्डर आते थे, तीन चार बोले तो कम से कम एक कस्टमर से 500 रुपया ले तो अभी मेरे को रोज़ाना 1500 रुपया होते थे। 1500 रुपया बोले तो 30 दिन को कितना होगा, 1500 × 30 = 45,000 रुपीस मेरे को जब ही आता था। तो ऐसा ही ऑनलाइन चला रहे तो अभी क्या हो रहा बोले तो, मेरे को पर डे इंक्वायरीज कितना आता बोले तो 10 से 15 इंक्वायरीज आता, 10 से 15 ऑनलाइन इंक्वायरीज आए तो 10 से 15 आदमी खरीदना बोल के ज़रूरी नहीं है, कम से कम उसमें 8 से 10 आदमी तो कंपलसरी खरीदते। ओके, सपोज 8 आदमी खरीदते तो भी मेरे को एक यूनिट के ऊपर मैं 500 रुपीस लगा लेती हूँ कमीशन, 8 आदमी एवरेज में खरीदे तो भी मेरे को कितना आता बोले तो, पर डे एक यूनिट के ऊपर 500, पर डे मेरे को कितना आता, 4000 रुपीस आता था। 4000 रुपीस आए तो 4000 × शुरू में तो रोज़ाना 2-3 ऑर्डर आते थे, अभी रोज़ाना 8 से 10 ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रहे तो ये 8 ऑर्डर आए तो भी 8 × 500 मेरे को डेली 4000 रुपीस मिल रहा। ये 4000 बोले तो 30 डेज को कितना हो रहा, 1,20,000 मेरा मुनाफा हो रहा। ओके, ये हिसाब से मैं धंधा कर रहा हूँ। ओके, इसमें क्या बोले तो, ये बिजनेस आप भी करके आप भी आपके एरिया में आप कमा सकते। ओके, आप सोचेंगे क्योंकि तुम्हारा धंधा चल रहा ना भाई, तुम्हारे को लॉस होता ना, हमारे को आइडिया दे तो हम भी सीसी कैमरा बेचे तो बोले तो, इसमें मैं एक अब चीज़ आपको बोला, क्योंकि 20 किलोमीटर रेडियस में ही मैं काम करता हूँ, 20 किलोमीटर बियॉन्ड गए तो मेरे को चार्जेस नहीं होता, सर्विस चार्ज नहीं मिलेगा, लॉस में ही होगा। उसके लिए आप जिधर भी एरिया में उधर शुरू करें तो मैं क्या करूँगा बोले तो, मेरा वेबसाइट है ऑनलाइन में सीसी कैमरा बेचने का, वो नीचे मैं लिंक में दिया। सपोज आप चेन्नई में आपको सीसी कैमरा बेचने का है, ओके मेरे को कॉल करिए, कॉल करके मैं भी बेचता हूँ बोल के बोलिए, मैं आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका मेल आईडी मेरा वेबसाइट में अपडेट कर दूंगा। ओके, चेन्नई होंगे, बेंगलुरु होंगे, कलकत्ता होंगे और किधर से शेयर्स तो भी आप होंगे, आपका डिटेल्स पूरा दे दीजिए मेरा वेबसाइट में, मैं आपका डिटेल्स पूरा अपडेट करूंगा और आप वो भी SEO करूंगा, SEM भी करूंगा। ओके, इसमें क्या होता बोले तो, मेरे एरिया 20 किलोमीटर रेडियस में कोई भी ऑनलाइन में ढूंढ रहा ऑनलाइन में कैमरा होना बोल के ढूंढ रहा बोले तो, मेरा वेबसाइट कैसा अपडेट हो रहा, आपका एरिया में कोई भी CCTV कैमरा होना बोले तो आपका नाम अपडेट हो रहा।
ओके आपका कंपनी का नाम ऊपर आएगा, ओके वैसा जैसा मेरा एरिया में मैं करूँ आपका एरिया में आप वैसा करके पैसा कमा सकते। तो इसमें आपको डाउट आएगा एक, क्यों बोले तो हम वेबसाइट कहाँ से बना, आप वेबसाइट बनाने का जरूरत नहीं है, मेरा वेबसाइट में स्पेस देऊंगा फ्री में, आप अपडेट कर लीजिए, आपका नाम दीजिए, मैं अपडेट करूँगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करूँगा। और एक चीज़ है इसमें GST बनाना बोल के ज़रूरी है बोल के आपको डाउट होगा, GST भी बनाने का जरूरत नहीं है, जो कंपनी का मेरा चल रहा ना वही GST के ऊपर आप धंधा कर ले सकते। ओके ये पूरा करने से अभी मेरे को क्या फायदा, आपको डाउट आएगा, तुम पूरा सर्च इंजन में लगा रहे, हमारा नाम दे रहे, हमारे एरिया के हिसाब से SEO कर रहे, SEM कर रहे, मेरे को क्या फ़ायदा हो, तो इसमें मेरे को भी थोड़ा फायदा रहेगा। वो फायदा कैसा रहेगा वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूँगा। ओके आपको ये CC कैमरा बिजनेस करने का इंटरेस्टेड है तो आप भी शुरू करिए, मैं कैसा कमा रहा हूँ वैसा 1-1.5 लाख रुपया कमा सकते। ओके मैं मेरा रेडियस 20 किलोमीटर्स के अंदर ही कर ले रहा हूँ। ओके आप बाहर किधर भी है किधर से भी करना चाहे वो एरिया का एड्रेस दे दीजिए, वो एरिया में आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर सर्च इंजन में लगा लूँगा। जो भी आपका एरिया में CCTV कैमरा किसको भी होना चाहिए ऑनलाइन में डेने तो आपका पता आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, आएगा। ओके वो ऑनलाइन में बुक करे तो उसका भी फ़ोन नंबर मेल आईडी आपका फ़ोन को आएगा, आप इमीडिएटली कॉल करके उसको पूछ सकते मैं जैसा करूँगा बिजनेस वैसा करके आप भी पैसा कमा सकते। ओके ये पूरा आपको बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तो मेरे को क्या फ़ायदा, वो मेरे को है सो फायदे के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सप्लेन करूँगा। ओके थैंक यू। आपको सीसी कैमरा का बिजनेस करने का इंटरेस्ट है तो मेरे वेबसाइट पे कांटेक्ट करिए, मेरा फ़ोन नंबर में कांटेक्ट करिए। और एक क्या बोले तो मैं जो वेबसाइट से सीसी कैमरा बेचूँ ना वो भी लिंक नीचे मैं दिया है। ओके और कुछ भी आपको डाउट है ये सीसी कैमरा बिजनेस करने के लिए तो कमेंट करिए, आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करिए। ओके थैंक यू।